होगा। बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और मिलते हैं नए ब्लॉग के ब्लॉग में। हम सब रेडी सेडी हो गए हैं और अब निकल रहे हैं। सानवी तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहती है कहीं जाने के लिए। रेडी, अगर कोई भी रेडी हो जाए तो उन वो ज़्यादा ही खुश हो जाती है कि चलो कहीं जा रहे हैं। घूमने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और निकल रहे हैं। तो बात यह है कि इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी में अचानक हम सब कहाँ के लिए निकल रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं बेटो? मार्केट जा रहे हैं। कहीं भी जाने से सानवी को लगता है कि मार्केट ही जाते हैं। हमेशा उनको मार्केट जाने में खुशी मिलता है तो उनको लगता है मार्केट ही जा रहे हैं। और हम सब जा रहे हैं डॉक्टर के पास। वो इसलिए अचानक जाने का प्लान बना डॉक्टर के पास, वो इसलिए क्योंकि हमारे सर पे कुछ दिन पहले से दर्द होता है, कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है। तो सोचे कि एक बार डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर क्या बताते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाने का आज प्लान बना है। और पापा को आज छुट्टी मिला तो पापा बोले चलो आज ही दिखवा लेते हैं। और ऐसे पापा को भी दिखाना था और मम्मी को भी दिखाना था। सानवी सो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण सानवी के फेस पे पूरा रेड रेड सा हो गया है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में जाने के लिए जाने का मन भी नहीं करता कहीं पर। घर से तो बाहर निकलने का मन नहीं करता, इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्या बताए। और गर्मी में बाहर निकलने से सानवी के लिए थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो जाता है, खाने पीने में दिक्कत हो जाता है। तो मजबूरी में तो जाना पड़ेगा ही। और पहुंचने वाले हैं हम लोग डॉक्टर के पास, अब कुछ देर में पहुंच जाएंगे। सानवी भी जग गई है और कुछ देर में पहुंच जाएंगे। पहुंच भी गए हम लोग डॉक्टर के पास। भूख लगी, अभी क्लिनिक पे हम बैठे हैं। सानवी को भूख लग गई है। भूख लगी है? क्या खाओगी? एप्पल खाओगी? और नानी जा रही है लाने। नानी गई है ना लाने, अभी एप्पल ला के देगी फिर तुम खाना। ओके। सानवी को भूख लग गई थी तो नानी एप्पल और उसके लिए बनाना लेके आई है। वो खा ले रही है, अभी खा लेगी। और हमारे डॉक्टर के पास नंबर लगा हुआ है और देखते हैं हमारा नंबर कब आता है। तो फिर डॉक्टर से मिलेंगे और देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। तो फिर बाद में बताते हैं आप लोगों को डॉक्टर के बताने के बाद कि डॉक्टर क्या बताते हैं, क्यों सिर में दर्द होता है इतना ज़्यादा। तो अभी थोड़ा टेंशन में भी है। हम सब घर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, गर्मी बहुत ज़्यादा था। तो घर पहुंच गए हैं और डॉक्टर को दिखाए तो उतना सारा वीडियो तो नहीं बना पाए क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा आदमी था नहीं। मम्मी बनाएगी नहीं, मम्मी बोलती थी नहीं बनाना मुझे। तो मेरा तो सारा चेकअप हो रहा था, बहुत सारा चेकअप किया डॉक्टर। डॉक्टर से जब मिलने गए फर्स्ट टाइम तो डॉक्टर इतना कुछ बोले कि डरा ही दिए थे मुझे। मुझे तो लग रहा था पता नहीं क्या आएगा, होगा नहीं होगा, क्या आएगा रिपोर्ट में। वैसे रिपोर्ट आया है, बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बोले बताया कि थोड़ा साइनस का प्रॉब्लम है तो इसी की वजह से कभी कभी सिर में दर्द होता है। और ज़्यादा आप धूप में मत निकलिए, धूप के कारण भी सिर में दर्द हो सकता है। तो इसी वजह से सिर में दर्द होता है, यानी कि ज़्यादा धूप की वजह से। और भूखे नहीं रहने बोला है और ज़्यादा धूप में मत जाइए। तो सब कुछ नॉर्मल है अब, हैप्पी। नहीं तो पहले टेंशन में थे थोड़ा, तो इसकी वजह से वीडियो भी नहीं बनाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।